80 के दशक में कई पॉपुलर अभिनेत्रियां रही थी जिन्होंने अपनी खूबसूरती और दमदार अदाकारी के दम पर फिल्मी दुनिया में खूब नाम कमाया। कई टॉप स्टार के साथ हिट फिल्में में जोड़ी भी जमाई और लाखों दिलों पर राज किया, मगर वक्त के साथ साथ उनका जादू फीका पड़ता गया। धीरे धीरे उन्हें मिलने वाले रोल में कमी आती गई और अब आलम यह है कि 80 के दौर की वे अभिनेत्रियां पर्दे से गायब हो चुकी हैं, पर आज भी वे अपने किरदार के साथ दर्शकों के दिलों में बसी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, आप 80 के दशक पर राज करने वाली उन सभी अभिनेत्रियों के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं उन सभी एक्ट्रेस के बच्चों के बारे में जो आज काफी बड़े हो गए हैं, इतने कि अपनी मम्मियों से भी काफी ज्यादा सफल और मशहूर हो गए हैं। पर क्योंकि वे सभी लाइमलाइट से दूर रहते हैं, इसलिए आप ही उनके बारे में नहीं जानते होंगे। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको 80 के दशक की टॉप 5 एक्ट्रेस के रियल लाइफ बच्चों से रूबरू कराने वाले हैं, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। फिर आइए जानते हैं कौन सी है वो एक्ट्रेस और कौन से है उनके वो बच्चे। नंबर 1, किमी काटकर। किमी काटकर 80 के दशक की बॉलीवुड की जानी मानी हीरोइन थी। इन्हें जुम्मा चुम्मा गर्ल कहा जाता था। इसके अलावा ये टार्जन गर्ल के नाम से भी मशहूर रही हैं। लेकिन अगर बात करें इनके बच्चों के बारे में तो आपको बता दें कि इनका केवल एक ही बेटा है जिसका नाम सिद्धांत शांतनु श्रॉय है, जो वर्तमान में 30 साल के हैं और बतौर फोटोग्राफर काम कर रहे हैं और अपनी निजी जिंदगी में सिंगल हैं। नंबर 2, अनिता राज। 80 के दशक में अनिता राज के चर्चे आम थे। उस दौर में गए बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस थी जिन्होंने धर्मेंद्र, मिथुन, जितेंद्र, राजेश खन्ना और अनिल कपूर समेत कई एक्ट्रेस के साथ काम किया है। लेकिन अगर बात करें इनके बच्चों के बारे में तो आपको बता दें कि इनका केवल एक ही बेटा है जिसका नाम शिविंग हिंगिरोनी है और वे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, पर बतौर एक्टर नहीं बल्कि असिस्टेंट डायरेक्टर। वे करण मल्होत्रा के साथ अग्निपथ और आर एन मुखर्जी के साथ ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। नंबर 3, मंदाकिनी। 1985 में रिलीज हुई फिल्म राम तेरी गंगा मैली से मंदाकिनी रातों रात मशहूर हुई थी। झलकने के नीचे सफेद साड़ी में नहाने का शॉट देकर वह चर्चा में छा गई थी, पर आज भी ये इंडस्ट्री से दूर हैं। लेकिन अगर बात करें इनके बच्चों के बारे में तो आपको बता दें कि इनके दो बच्चे हैं जिनमें एक बेटा रबील और एक बेटी रबज है। आपको बता दें कि इनके बेटे रबील वर्तमान में 25 साल के हैं और पेशे से एक जिम ट्रेनर हैं, जिन्हें जिम करना काफी पसंद है, इसलिए वे बॉलीवुड में काम नहीं करना चाहते बल्कि अपने पैशन के साथ ही सफलता हासिल करना चाहते हैं। वही बात करें इनकी बेटी रॉबसे के बारे में तो इनकी बेटी अभी 7 साल की है और लाइमलाइट से दूर रहकर अपनी पढ़ाई कर रही है। नंबर 4, अमृता सिंह। 80 के दशक की टॉप अभिनेत्रियों में अमृता सिंह का नाम शामिल था। इन्होंने फिल्म बेताब से बॉलीवुड में कदम रखा था और देखते ही देखते टॉप पर पहुंच गई थी। लेकिन अगर बात करें इनके बच्चों की तो आपको बता दें कि इनके दो बच्चे हैं जिनमें बेटी सारा और छोटे बेटे इब्राहिम है। आपको बता दें कि इन दोनों के बच्चे भी इंडस्ट्री में काफी नाम कमा चुके हैं। इनकी बेटी सारा आज 25 साल की हो गई है और बतौर एक्ट्रेस फिल्मों में काम कर रही है। वे अब तक केदारनाथ, सिम्बा और कूली नंबर 1 जैसी फिल्मों में काम कर चुकी है। वहीं बेटे इब्राहिम बतौर मॉडल अपने करियर की शुरुआत कर चुके हैं। नंबर 5, वहीदा रहमान। बॉलीवुड की पहली ऐसी अदाकारा है वहीदा रहमान जो अपने एक्सप्रेशन से अभिनय करती थी। इन्हें कुछ और बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी और इनके इसी टैलेंट ने इन्हें नई पहचान दिलाई थी। लेकिन अगर बात करें इनके बच्चों के बारे में तो आपको बता दें कि इनके दो बच्चे हैं जिनमें एक बेटा और एक बेटी है और इनके बेटे का नाम सोहेल है और बेटी का नाम केशवी। यह दोनों ही पेशे से राइटर है जो अखबार के लिए ब्लॉग लिखते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से किस एक्ट्रेस के बच्चे सबसे अच्छे लगे आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही रिश्ते नातों की खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।